हाय फ्रेंड्स, एसपी किचन में आपका स्वागत है। आज बताने जा रहे हैं खोया हुआ आधार कार्ड कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले आपको जाना है, यहाँ पर लिखना है EE आधार कार्ड। इसके बाद आपको यहाँ पे पहले वाले ऑप्शन पे लैंग्वेज सिलेक्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे, इसके बाद आपको हिंदी सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको हिंदी सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद देखिए ये इंटरफेस खुलेगा। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे मेरा आधार पे जाना है। इसके बाद यहाँ देखिए खोया हुआ UIDA पुनः प्राप्त करें, यहाँ पे क्लिक कर देना है आपको। यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे ये रिडायरेक्ट कर देगा माय आधार पोर्टल पे। इसके बाद यहाँ पे जो भी आपका नाम था उसे नाम लिखेंगे यहाँ पे। नाम लिखने के बाद यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है, जो भी आप आधार बनवाने समय मोबाइल नंबर दिए थे। बाद यहाँ पे कैप्चा कोड जो दिया गया है उसे कैप्चा कोड यहाँ पे इंटर करेंगे। कैप्चा कोड डालने के बाद, कोड लिखने के बाद, इसके बाद आपको सेंड OTP पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे OTP जैसे क्लिक करेंगे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर OTP जाएगा। OTP जाने के सबमिट पे क्लिक कर देना। सबमिट पे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए योर आधार नंबर, यहाँ पे आधार का आपको 4 अंक का लास्ट नंबर दिया है, इस सेंड योर रजिस्टर्ड मोबाइल, जो आपके मोबाइल पर OTP दिया था उस पर सेंड कर देगा आपको आधार नंबर। तो ऐसे आप खोया हुआ आधार नंबर पा सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल SPK को सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज शिव प्रकाश को फॉलो करें।